हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति यादव आप सभी लोगों के आपके यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रहेगी। हमारा टारगेट है वो 25 दिसंबर है, क्योंकि हमारा जो सीपीनेट का एग्जाम है वो 25 दिसंबर को होगा, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको पढ़ाएंगे लॉजिक गेट। यदि पेपर थोड़ा भी टफ बनता है तो लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन 100% बनता है, नहीं तो आप बताना आगे कि लॉजिक गेट से यदि पेपर टफ आता है तो, और यदि लेवल उसका लो रहता है तो नहीं पूछते हैं। लेकिन हमें ये नहीं दिमाग में रखना कि हमें सिर्फ मतलब कि पेपर ज्यादा टफ नहीं आएगा, इजी इजी आएगा तो इजी इजी पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। देखिए, हमें दोनों तैयारी रखनी है, लो मतलब सरल भी पढ़ना है तो टफ भी पढ़ना है, दोनों चीजें पढ़नी है। तो हम आज देखते हैं लॉजिक गेट के बारे में। लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन बनता है तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक नंबर से लोग पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो आज हम देखते हैं लॉजिक गेट, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि आज के बाद आप भी लॉजिक गेट को रटना भूल जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, आप फार्मूलों को नहीं रटोगे, और इतने अच्छे से हम समझाने की आप लोगों को कोशिश करेंगे। और इससे जो भी पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद हम इससे जो भी न्यूमेरिकल होंगे, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल तो नहीं कहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं लॉजिक गेट। देखिए, लॉजिक गेट की जरूरत क्यों पड़ी, लॉजिक गेट को क्यों ये लाया गया, तो हम लोग जितनी भी डिजिटल इंडिया है, डिजिटल साधन बढ़ रहे हैं, तो जितने भी डिजिटल जो सामान होते हैं वो सभी हमारी भाषा को नहीं समझते, वो जो ओनली समझते हैं मशीनरी भाषा को। तो मशीनरी भाषा को जब वो समझते हैं तो उसमें जो भाषा यूज की जाती है वो बाइनरी संख्या यूज की जाती है। बाइनरी संख्या में दो अंक आते हैं ओनली, 0 और 1। बाइनरी संख्या में कितने अंक आते हैं, दो। कितने होते हैं, दो, 0 और 1। वो इसी को 0 और 1 को कन्वर्ट करके अपनी भाषा वो समझ लेते हैं कि ये जो हम लोग, देखिए हम लोग तो जैसे अपना नाम डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, पर कंप्यूटर को वो चीज पता नहीं होती है, ठीक है। वो सिर्फ अपनी भाषा जानते बाइनरी, तो उसे वो बाइनरी संख्या में चेंज करके तब समझते हैं, अच्छा ये हमसे ये पूछना चाहते, तब वो इनपुट आउटपुट देते, ठीक है। हम इनपुट देते तब वो आउटपुट हमको मिलता है, ठीक है। जैसे हमें कुछ लिखना, उस पर कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे कुछ भी हम लिखते हैं तो हमारा क्या है, इनपुट हमने दिया उसको, फिर वो अपनी भाषा में चेंज करेगा, उसके बाद आपको आउटपुट देता है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। तो हम देखते हैं गेट के बारे में। देखिए, गेट होते हैं वो तीन मुख्यता होते हैं, कौन कौन से, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ठीक है। एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ठीक है। तीन जो गेट होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद तीनों गेट से ये दो गेट और बनाए जाते हैं, वो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तीन मुख्य जो गेट होते हैं, एंड और नॉट गेट, ठीक है। सब फर्स्ट गेट, जो फर्स्ट नंबर गेट है हमारा एंड गेट, सेकेंड नंबर और गेट, थर्ड हमारा है नॉट गेट, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एंड गेट के बारे में। एंड गेट होता है एंड, देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें दो चीजें होती है, इनपुट और आउटपुट। देखिए, जो भी हम इनपुट देंगे उसके बाद हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो हम समझाने की कोशिश करेंगे, मानते हैं ये कोई पर्वत है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ये इसमें दो सर्किट लगे हुए, ये कोई वाल्व है, ठीक है। सर्किट ए, सर्किट बी, इसमें क्या होगा, यदि हम एंड गेट को समझने से पहले इनपुट और आउटपुट लिख देते हैं, इनपुट और आउटपुट। देखिए, इनपुट और आउटपुट, जैसे यदि हम किसी भी चीज को इसमें क्या, यदि हम जैसे कि बल्ब मैंने ऑन किया, ऑन करने के बाद यह बल्ब जलता है तो वो क्या है, इनपुट हमारा क्या है, यदि जलता है तो मतलब जैसे कोई भी चीज हम कर रहे हैं वो हमें वो मिल रही है तो हम बल्ब लिखेंगे। जैसे हमने बल्ब को जलाया, ऑन किया, ठीक है, इनपुट किया,
मतलब हमने कुछ चीज दवाई उसकी बटन को ऑन किया तो वो क्या है मतलब इनपुट तो बन लिखेंगे और आउटपुट बल्ब जलता है तो भी हम क्या बन बन लिखेंगे और यदि बल्ब नहीं जलता है तो हम जीरो लिखेंगे। दो अंक लिखने हैं हमें। यदि हम किसी चीज को जैसे बल्ब को हमने ऑन किया, ऑन करने के बाद तो हमने इनपुट किया कि नहीं किया, ऑन किया ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा तो हम उसे एक से प्रदर्शित करेंगे और बल्ब नहीं जलता है तो हमें जीरो से प्रदर्शित करना है। ठीक है, जैसे कि हम समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि ये कोई फरफत है बिजली का, इसमें लाइट धारा प्रवाहित हो रही है। यदि हम इसका सर्किट को बंद कर दें, दोनों सर्किट हम बंद कर दें, यहां भी खुले थे अब हम बंद कर दें इन दोनों को, तो धारा आगे बहेगी और बल्ब जलेगा। ठीक है, हमने इनपुट दिया ए और बी, इनपुट को हम दो मानेंगे, ए और बी दो सर्किट लगे हुए। यदि हम दोनों सर्किट को बंद कर देते हैं तो बंद करेंगे तो मतलब कि धारा आगे बह रही, सर्किट मतलब धारा आगे जा रही है तो हम इसे बंद से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, बंद और आगे जा रही तो बल्ब भी जलेगा। ठीक है, तो हम इसे भी हम बंद से प्रदर्शित करेंगे, ये मान लेते सी। ठीक है, आउटपुट क्या है सी। अब हम क्या करते हैं, सर्किट ए को तो हम खुला रहते हैं और सर्किट बी को बंद कर देते हैं। ठीक है, सर्किट ए क्या है खुला, तो मतलब हम इसे जीरो से प्रदर्शित करेंगे, खुला है मतलब धारा आगे तो नहीं जा रही है तो हम क्या करेंगे इसे जीरो से प्रदर्शित करेंगे, और सर्किट बी क्या है बंद है तो इसे एक से प्रदर्शित करेंगे। अब क्या देखो, यदि तो धारा आगे प्रवाहित तो नहीं होगी तो क्या होगा, धारा जब आगे प्रवाहित नहीं होगी तो जो बल्ब है आपका बंद रहेगा, तो ये क्या बल्ब बंद रहेगा तो जीरो से प्रदर्शित करेंगे, या जल जाता तो बंद से और बंद है तो किसे प्रदर्शित करेंगे जीरो से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, सर्किट ए को तो हम बंद कर देंगे और सर्किट बी को खुला रखेंगे, यहां तक धारा जाएगी आगे नहीं जा पाएगी क्योंकि सर्किट खुला हुआ है, तो हम जब ये बंद है तो यहाँ पे बंद लिखेंगे और यहाँ पे खुला हुआ है तो यहाँ पे जीरो लिखेंगे सॉरी, और तो क्या हो जाएगा तब भी बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि आगे धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम जीरो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों सर्किट को खुला रखते हैं, यहां से धारा तो बह रही है, यहां जाके आगे धारा प्रवाहित नहीं होगी तो बल्ब क्या होगा जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा क्योंकि धारा आगे जा ही नहीं रही है, तो यहाँ भी जीरो, ए भी और बी भी, और आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा जीरो। ये तो आपकी सत्यापित श्रेणी कही जाती है, इस तरह ये क्या है एंड गेट की सत्यापित श्रेणी है। ठीक है, और अब इसका जो चित्र आता है, चित्र भी पूछा जाता है एंड गेट का चित्र कैसे बनता है, तो एंड गेट का जो चित्र है वो बनता है ए और बी इनपुट, ये हमारे क्या है इनपुट, और सी हमारा क्या है आउटपुट। ठीक है, ए बी इनपुट और सी क्या है आउटपुट। ठीक है, अब हमें सत्यापित श्रेणी आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं, आप वो अच्छे से समझने की कोशिश करें तो आप वो रटेंगे नहीं। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, सी बराबर ए इंटू वी। ठीक ना, एक का गुणा करेंगे एक से तो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, और जीरो को गुणा एक से करेंगे तो क्या होगा जीरो होगा। यदि हम रख के देख लें, जीरो को गुणा ए भी जीरो और बी है वन है तो क्या करेगा ए और ए का गुणा जब वन में करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और एक का गुणा जीरो में तो जीरो, और जीरो को गुणा जीरो में करेंगे तो क्या होगा जीरो होगा। इस तरह इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है। ठीक है, और हम पर्पज से समझने की कोशिश करें तो हम रटेंगे नहीं। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं, और आप लोगों को आशा यही करूंगी कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा गेट है और गेट, यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत नहीं हमारे समझ में, यदि हमने समझाने की पूरी कोशिश की है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि तब भी आपको प्रॉब्लम है तो आप दोबारा रिपीट करके फिर से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं और गेट। ठीक है, अब देखिए एंड गेट के बारे में हम देखेंगे और गेट के बारे में। ठीक है, और गेट के बारे में हम देखते हैं, और गेट में देखिए इसी तरह हम और गेट को समझेंगे जैसे हमने एंड गेट को समझा। एंड गेट में हमने और गेट के पर्पस बनाते हैं, देखते ये हमने बनाया कोई पर्पस है। ठीक है,
ये कोई हमारा पर्पस है? इसमें दो सर्किट है ए और बी, ए और बी, ये हमारा कोई हमारा बल्ब है, ठीक है। इसमें धारा प्रभावित हो रही है, ठीक है, सही नहीं है, ठीक ना। आप समझने की कोशिश करें, यहां भी कितने दो इनपुट हैं और एक आउटपुट हमें मिलेगा, तो इनपुट आउटपुट ए और बी, सी हमारा क्या आउटपुट है, देखना। अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो धारा प्रवाहित करते हैं, दोनों पर्पथ को बंद करेंगे, पहले क्या करेंगे, दोनों पर्पथ बंद है, ये दोनों पर्पथ बंद है, तो अभी हमने आपको बताया था कि पर्पथ बंद होंगे तो बल्ब क्या जलेगा, ठीक है। तो ए भी ए बंद है तो बंद लिखेंगे, बी भी बंद पर्पथ सर्किट बंद है तो बंद लिखेंगे, तो बल्ब भी जलेगा तो क्या हो जाएगा बंद, ठीक है। आप देखते हैं एक सर्किट को हम खुला रखते हैं, बी सर्किट खुला हुआ है, तो खुला है तो लाइट नहीं जाएगी, अगर लाइट नहीं जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसे जीरो से प्रदर्शित करेंगे, और ए परफेक्ट है वो वन है तो इसे वन से प्रदर्शित करेंगे। अब क्या हुआ, देखिए लाइट यहां तक गई, इधर गई, इधर से इधर यहां नहीं गई, ठीक है, तो बल्ब तब भी जलेगा क्योंकि यहां नहीं गई पर ऊपर तो गई, ऊपर से यहां फिर यहां तक पहुंच गई, ठीक है, तो क्या होगा, बल्ब आपका जलेगा, तो ये क्या हो जाएगा बल्ब, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस सर्किट को हम खुला रखते हैं और इस सर्किट को हम बंद रखते हैं, तो जब ए खुला है तो जीरो और बी बंद है तो बंद, और जब यहां लाइट यहां से इधर जाएगी और बल्ब तक आ जाएगी तो बल्ब जलेगा, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा बंद। अब क्या करते हैं, दोनों सर्किट को खुला रखते हैं, दोनों जब सर्किट खुले रहेंगे तो जीरो जीरो, अब बताइए लाइट आगे जाएगी कि नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी क्योंकि यहीं तक आएगी, यहां नहीं जा ही नहीं पाएगी क्योंकि खुला है पर्पस, ठीक है, तो जीरो जीरो, तो यहां भी क्या हो जाएगा जीरो। अब बात करते हैं इसका और गेट का जो चित्र कैसे बनता है, तो और गेट का जो आपका चित्र बनता है वो इस तरह बनता है, ये भी आपको चित्र बना के पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा ये और गेट का या इन गेट का जो भी चित्र आपको दिया जाएगा वो पूछ लिया जाएगा, इनमें से कौन सा और गेट का चित्र है या एंड गेट का चित्र आपको पूछा जा सकता है, तो आपको चित्र भी याद रखने, ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन बनते हैं, एनसीईआरटी में इस तरह क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, तो जब एनसीईआरटी में दिए तो 100% आपके आने के चांस है, ठीक है, तो एन जो और गेट होता है उसका जो चित्र बनता है वो इस तरह बनता है, ठीक है। ए और बी क्या है आपके इनपुट, ये सी आपका क्या है आउटपुट, ठीक है। अब इसका अब देखना इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर ए प्लस वी, आप देख सकते हैं ए जोड़ेंगे तो क्या होगा वन होगा, ए और जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा वन होगा, ठीक है, और जीरो वन को जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका वन होगा, और जीरो जीरो करेंगे तो क्या आपका होगा जीरो होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको आपको इस फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पर्पथ याद रखना है, इस तरह इसका और गेट का पर्पथ बनाएंगे तो आपको आराम से ये आप निकाल सकते हैं, इस तरह पूछे जाते सवाल आपको भी अभी थोड़ी देर में आपको क्वेश्चन दिखाएंगे किस तरह से आपको सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और समझने की देखिए हमने बहुत अच्छे से कोशिश की, आपको ये रटना नहीं पड़े फॉर्मूला के, ए सी बराबर और गेट में सी बराबर ए प्लस बी और एन गेट में ए सी बराबर ए इंटू बी, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको ये पर्पस दिमाग में रखेंगे थोड़ा, मतलब तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और पूरी तरह हमने अपने आप से कोशिश की कि आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं कि उसे रटे, ठीक है। अब देखते हैं नॉट गेट के बारे में, ठीक है, अब देखते हैं हम नॉट गेट के बारे में, नॉट गेट को हम फिर देखेंगे एक पर्पस बनाते हैं, ये हमारा पर्पस है, इसमें सर्किट ये है,
नॉट गेट में ओनली एक इनपुट होता है और आउटपुट तो एक होती था, लेकिन जो नॉट गेट में और दो ही गेट थे एंड और गेट में दो इनपुट थे। अब वो यहाँ पे जो नॉट गेट है वहां पे ओनली एक इनपुट है, तो एक ए मान लेते और ये आपका वर्ब इनपुट आउटपुट, यहाँ पे ओनली एक है, मान लेते एक्स और वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहां से धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, यहां जाएगी और ऐसे जाएगी, यहां तो जाएगी नहीं क्योंकि ये खुला हुआ है, और यहां जाएगी और बल्ब जल जाएगा। ठीक है, ऐसे होते हुए इधर चली जाएगी, लेकिन ये सर्किट खुला हुआ है तो ये क्या होगा, मतलब खुला हुआ है तो इसका इनपुट क्या होगा, जीरो, और बल्ब जल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, सर्किट हमारा खुला हुआ है तो यहाँ पे इनपुट क्या हो गया, जीरो, और बल्ब जल रहा है तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, वन, क्योंकि धारा प्रवाहित आगे हो जाएगी। देखिए आगे तो जाएगी, यहां नहीं जाएगी, ठीक है, यहां भी जाएगी तो बल्ब जलेगा 100%। अब क्या होगा कि हम ये सर्किट को बंद करते हैं, हम मान ले मैंने सर्किट को बंद किया, तो क्या होगा कि धारा प्रवाहित होगी और धारा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों जब धारा इसमें प्रवाहित जब होगी तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, धारा मतलब विस्फोट हो जाएगा, आग लग जाएगी, तो धारा मतलब यहाँ पे यह सर्किट को खुला ना रखे, मतलब न बंद कर दे, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से जो धारा निकलेगी वो यहाँ पे आ जाएगी, आगे नहीं जाएगी, और क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसके कारण बर्फ नहीं जलेगा, क्योंकि आग लग जाएगी यहीं पे, क्या हो जाएगा, दो तार जब भिड़ जाएंगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और बर्फ आपका नहीं जलेगा। तो आउटपुट इनपुट क्या है, सर्किट बंद है तो यहाँ पे एक लिखेंगे और बर्फ नहीं जला तो यहाँ जीरो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है नॉट गेट में कि यदि इनपुट वन है, इनपुट वन है तो आउटपुट जीरो होगा, याद रखना, और जब आउटपुट इनपुट बंद कर देंगे तो आउटपुट क्या होगा आपका, जीरो होगा, इनपुट यद जीरो कर देंगे तो आउटपुट क्या होगा, बंद होगा। ठीक है, ठीक उल्टा रहता है, ठीक है, नॉट गेट में। अब इसका जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए बराबर ए पे बार, मतलब यद बन, यहाँ पे बन है तो ये जीरो हो जाएगा और जीरो ये है तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका जो चित्र है वो कैसे बनाया जाता है, वो इसका जो चित्र बनाया जाता है इस तरह, ये मान लेते हैं ए है, इस पे यहां ए बार लगा देते हैं। ठीक है, कुछ भी मान लो बार लगा, मतलब ये तो हमारा इनपुट जीरो है तो आउटपुट वन होगा, और आउटपुट और इनपुट वन है तो आउटपुट हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, तीनों गेट मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, और रटने की जरूरत नहीं है, यदि हम पर्पस को ध्यान में रखते तो बिल्कुल नहीं रटोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं दो गेट और बचे हैं उनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दो गेटों के बारे में। अब हम देखते हैं दो गेट और बचे हैं, दो गेट वो है नंद गेट और नॉर्थ गेट। देखिए एंड गेट और नॉर्थ गेट मिलकर बनता है नंद गेट, क्या बनता है, नंद गेट। ठीक है, और गेट और नॉर्थ गेट से बनता है आपका नॉर्थ गेट। ये दो गेट और पढ़ने आपको, एंड और नॉर्थ से आपका कौन सा गेट बनेगा, नंद गेट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड और नॉर्थ गेट से मिलकर कौन सा गेट बनेगा आपका, नंद गेट, और नॉर्थ गेट से कौन सा बनता है, नॉर्थ गेट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसकी सत्यापित श्रेणी देखते हैं, इसका सबसे पहले देखते हैं चित्र कैसे बनेगा। तो एंड गेट का हमने आपको बताया था चित्र कैसे बनता है, सबसे पहले हम एंड गेट बनाएंगे, इसी तरह बनाया था मैंने, ठीक है, ये, ठीक है, ये क्या है एंड गेट। आप क्या करेंगे, एंड गेट में आपको कौन सा गेट जोड़ना है, नॉट गेट,
और नॉट गेट का चित्र किस तरह है? इस तरह। ये आपका कौन सा गेट बन गया? किसका चित्र है? नंद गेट का। ठीक है, नंद गेट का चित्र इस तरह बनेगा। अब इसकी सत्यापित श्रेणी यहां तक दिखता है, सत्यापित श्रेणी देखते हैं। ए और बी इनपुट और सी आपका क्या आउटपुट मिलेगा। सबसे पहले हम एंड गेट की सत्यापित श्रेणी लिखते हैं। एंड गेट में क्या होता था आपका, एंड गेट में क्या होता था, सी बराबर ए इंटू वी, ये होता था। यदि इनपुट वन है और मतलब ए इनपुट वन है और वी भी वन है तो क्या हो जाएगा वन। ठीक है, और इनपुट ए जीरो है बी वन है तो यहाँ पे क्या हुआ, ए का गुण जीरो को गुणा वन में करेंगे तो क्या आएगा जीरो। ठीक है, अब वो यहाँ पे वन लिखते हैं, ए इन जो इनपुट है वो वन है और बी इनपुट है वो जीरो है तो क्या होगा, फिर भी जीरो हो जाएगा क्योंकि इनका जब मल्टीपल करेंगे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ए जीरो है बी भी जीरो है और तो क्या हो जाएगा जीरो। अब क्या करते, ये तो एंड गेट की साइड ही निकल आई, अब हमें करना किस में कन्वर्ट, नॉट गेट में। नॉट गेट में क्या होता था आपका, नॉट गेट में जो आपका होगा वो क्या होगा, सी बराबर मतलब इसमें जो ये वन है तो जीरो हो जाएगा और जीरो है तो वन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, यदि ए मान लेते हैं और ये बार है मतलब ये वन है तो क्या हो जाएगा जीरो और जीरो है तो वन, जीरो है तो वन, यहां भी जीरो तो यहाँ पे भी वन। ये आपकी नॉट गेट की साइड। तो पहले हम एंड गेट की लिखेंगे, एंड गेट के बाद हम नॉट गेट की लिखेंगे। यदि एंड गेट में आपका वन आ रहा है तो नॉट गेट में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जीरो है तो वन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं और गेट के बारे में। और गेट का सबसे पहले हम क्या करेंगे, और इसका चित्र बनाते हैं। इसका जो चित्र बनेगा वो इस तरह बनेगा, एक मिनट रुकना। आप देखना सबसे पहले हम और गेट का चित्र बनाएंगे। ठीक है, ये इनपुट ए और बी, आपके नॉट गेट का क्या है इस तरह बनेगा। ठीक है, ये सी मान लेते। अब ये हमारा क्या नॉट गेट का चित्र बन गया। ठीक है, इस तरह बनेगा। अब इसकी सत्यापित श्रेणी देखते हैं, ए और बी। सी में क्या होगा यहाँ पे, ए प्लस वी, हमने अभी आपको बताया था इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस वी सी बराबर। तो यदि इनपुट ए क्या है वन और ये भी वन तो ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। ठीक है, और यदि ये जीरो और ये वन है तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। ये वन ये जीरो तो ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, दोनों जीरो तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आउटपुट इसका नॉट गेट में क्या हुआ, नॉट गेट में क्या होता है, नॉट गेट में क्या होगा, यदि वन है तो जीरो हो जाएगा और जीरो है तो वन हो जाएगा। ठीक है, तो वन यहाँ पे है तो जीरो हो जाएगा, यहाँ वन है तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी वन है तो जीरो हो जाएगा और जीरो है तो वन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको बताया था कि नॉट गेट में ठीक उल्टा होता है, यदि वन है तो जीरो और जीरो है तो वन। ठीक है, यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप आप सभी लोगों को ये भी सत्यापित श्रेणी भी समझ में आ गई होगी और गेट एक किस तरह बने ये भी समझ में आ गया होगी। अब देखते हैं इसके जितने भी एमसीक्यूज किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी हम देख लें, क्योंकि हमने समझ तो लिया, अब क्वेश्चन किस तरह बनते हैं वो भी देखते हैं। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे और आप लोगों से मतलब आप लोग बताना कि समझ में नहीं आया कि आया कितना आया, मतलब समझ में कितना तक आया, मतलब जितना आपने आज पढ़ा वो कितना परसेंट तक समझ में आया। ठीक है, इसके बारे में आपको जरूर बताना। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन, एमसीक्यूज बहुत अच्छे हैं जो पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से हमने लिए हुए क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन, देखना आपको क्वेश्चन कितने अच्छे से समझ में आएंगे, कहीं भी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, या तो आपने थ्योरी को बहुत अच्छे से हमारे साथ समझा होगा तो। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दो निवेश इनपुट, मतलब निवेश का मतलब होता है निवेश, जिसे हमने इनपुट कहा है, मतलब निवेश मतलब इनपुट, इनपुट ए और बी वाले और गेट का निर्गत मतलब आउटपुट शून्य होने के लिए आवश्यक है, मतलब कि आपका और गेट दिया गया है आउटपुट कब शून्य होगा, मतलब ए और बी इनपुट है वो क्या होंगे,
ए बराबर जीरो रखेंगे, बी बराबर भी जीरो रखेंगे तब जाके शून्य होगा, और ए बराबर वन या बी बराबर जीरो रखेंगे तब जाके शून्य होगा, या ए बराबर जीरो बी बराबर वन रखेंगे तब जाके शून्य होगा आउटपुट, या ए बराबर वन और बी बराबर वन तब जाके आउटपुट आपका शून्य होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए हमने आपको बताया था कि जो और गेट होता है, और गेट में क्या होता है कि सी बराबर ए प्लस बी, सी बराबर ए प्लस बी, मतलब कि ए जीरो कब होगा? जब ए भी जीरो हो और बी भी जीरो हो तब जाके आपका आउटपुट क्या होगा? शून्य होगा। ये तो बताया था, या जोड़ेंगे जैसे वन ए वन, जैसे जोड़िए वन ए इनपुट है वो वन है, बी जीरो है तो क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। एक और जीरो जोड़ेंगे तो एक ही तो आएगा, तो आउटपुट हमें शून्य करने के लिए क्या होगा? ए और बी आउटपुट हमारे क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। ठीक है, यदि आपका फॉर्मूला याद है तो आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ए बराबर शून्य बी बराबर शून्य, तो आपका आउटपुट भी क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की और आपको समझ में आगे भी गया, ये थ्योरी वो आपने अच्छे से समझी होगी तो। ठीक है, फिर तो सवाल रटना होता है। ठीक है, यदि कोई भी क्वेश्चन में हम थ्योरी हमें उसकी पता नहीं होती है तो हम क्वेश्चन को रटते हैं, और यार थ्योरी मेरी अच्छे से कंप्लीट है, मुझे स्टोर थ्योरी को मैंने बहुत अच्छे से समझा और पढ़ाया, तो फिर रटने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन समझने की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि और गेट में एक इनपुट शून्य है तथा दूसरा वन है तो निर्गत होगा, मतलब आउटपुट हमारा क्या होगा? एक क्या है और गेट में एक इनपुट, और गेट का भी हमने आपको बताया ए सी बराबर क्या है ए प्लस बी, तो एक हमारा इनपुट क्या है? शून्य, और एक क्या है? वन है दूसरा इनपुट, तो आउटपुट क्या होगा? वन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन वो देखते हैं। दी गई सत्यापन सारणी में किस गेट की किस गेट का उसका नाम बताइए, जो सारणी दी गई है वो किस गेट की सारणी दी गई है? ए जीरो जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, वन और जीरो जीरो, वन और वन वन। देखिए हमने आपको जीरो गुणे वन जीरो कब होगा, हमने आपको बताया था कि सी बराबर ए इंटू बी, ये किसका फॉर्मूला है? एंड गेट का। तो यहाँ पे जो सत्यापित साड़ी है वो किसकी है? एंड गेट की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, जीरो को गुणा वन में करेंगे तो क्या होगा? जीरो वन का गुणा वन में करेंगे तो क्या होगा? वन। तो यहाँ पे कौन सी गेट है? हमारा एंड गेट है। ये तीनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे बिल्कुल, और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे दो तीन, उसके बाद वीडियो को बंद करते हैं। और अब आप अपनी बुक में जो भी आपके पास बुक है उसमें आप क्वेश्चन लगा के देखना, आपके सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई सत्यार्थता सारणी में जिस गेट की है, मतलब किस गेट की है, जिसने किस गेट की है, मतलब ये जो सारणी दी गई है वो किस गेट की है, उसका नाम बताइए। ए और बी और सी, मतलब ए इनपुट है ये दोनों, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, ए जीरो है, बी भी जीरो है, सी भी जीरो है। ए मतलब वन है, बी जीरो है, सी वन है। ए जीरो है और बी वन है, ये वन है, वन और ये वन वन। ठीक है, तो ये जो साइड है वो किसकी है? और गेट की है, एंड या नॉट या नॉर गेट की। तो हमने आपको बताया था कि जब वन जीरो और वन वन हो जाए, मतलब कि यहाँ पे क्या प्लस ही तो हो रहा है, यदि मल्टीपल होता तो गुणा होता, और नॉट गेट में क्या होता है, ये जीरो है तो जीरो है तो वन हो जाएगा, वन है तो जीरो हो जाएगा। दो याद रखनी है, और एंड दो आपको याद रखनी है। यदि मल्टीपल हो रहा है मतलब गुणा हो रहा है तो वो क्या अनसी साइड है? एंड गेट। और यह जुड़ रहा है तो क्या है? और गेट। तो यहाँ पे कौन सी साइड हो जाएगी आपकी? और गेट। ठीक है, कौन सी साइड हो जाएगी? और गेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, और एंड क्या होता था मल्टीपल, दो आपको याद रखने की। एंड गेट में क्या होता है? गुणा होता है। ठीक है, और गेट में क्या होता है? जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जुड़ी तो रहा है, जीरो और वन वन हो रहा है तो जुड़ी तो रहे, तो यहाँ पे कौन सी साइड है आपकी? और गेट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है, एंड गेट में एक निवेशी जीरो है दूसरा वन है तो निर्गत होगा। एंड गेट में क्या है?
मतलब एक इनपुट जीरो है दूसरा वन है तो आउटपुट क्या होगा, निर्गत मतलब आउटपुट और निवेशी मतलब इनपुट। एक जीरो है, अब हमने आपको बताया था एंड गेट में क्या होता है, सी बराबर ए इंटू वी। अब ए क्या है जीरो, बी क्या है वन, तो जब इनका गुणा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा जीरो ही तो हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा ए। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, दो पांच क्वेश्चन हमने कराए और इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हम बार बार कोई क्वेश्चन मतलब नए घुमा देंगे, बस क्वेश्चन नया बन जाएगा। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, वो आपको आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना है, क्योंकि आप लोगों को हमारे समझ से मैंने जितनी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की, और आपको मैं आशा भी करूंगी कि आप लोगों को सभी को समझ में भी आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, इसका आंसर आप सभी लोगों को देना है जरूर। ठीक है, एंड गेट में एक आउटपुट प्राप्त करने के लिए इनपुट ए तथा बी होने चाहिए। एंड गेट में मतलब मुझे एक आउटपुट प्राप्त करना है, तो ये इनपुट और इनपुट ए और बी होने चाहिए। ए बराबर जीरो, बी बराबर वन, या दूसरा ऑप्शन है ए बराबर जीरो, बी बराबर जीरो, तीसरा ऑप्शन है ए बराबर वन, बी बराबर वन, चौथा ऑप्शन आपका है ए बराबर वन, बी बराबर जीरो। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करके बताना है, और जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी लोग आंसर जरूर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा आपको समझ में आया कि नहीं है। वीडियो देखने के बाद सिर्फ आपको एक मिनट लगेगी भी नहीं और आप आंसर दे सकते हैं। तो आंसर करके मतलब इसका जरूर आंसर देना कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे पता चल जाए कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। यदि नहीं भी आया है तो आप बता सकते हैं कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो हम जब आप तो मेरे पास टाइम ही, आपके पास टाइम ही, हमारे पास क्या, आपका एग्जाम बहुत जल्दी, हमें दूसरा भी चैप्टर पढ़ाना है, फिर कभी टाइम मिलेगा तो हम फिर समझा देंगे। लेकिन यदि तो समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।